दोस्त राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आइए पी लीजिए आप लोग भी चाय गर्मा गर्म। और मैं आपको बताऊं, बारिश एकदम रफ्तार से हो रही है। देखिए बागीचे में पानी, और जितने भी ये फसल है सब हरी भरी हो गई है। और जितने भी गरीब किसान और जो भी खेत ऐसे लेके और आधे पे बोते जोते हैं, उन लोग के लिए तो बल्ले बल्ले है दोस्तों, क्योंकि बारिश हो गई है झमाझम के साथ। और चलिए, मच्छर भी बहुत लग रहे हैं दोस्तों यहाँ पे डनाडन के साथ, तो यहाँ से भागू मैं पहले। बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट्स रील्स वगैरह बनाती थी, लेकिन अभी बारिश के वजह से इतने मच्छर और पानी और कीचड़, कब कि गिर जाए क्या बता, वही आज गिर जाए तो हमें कौन बचाइयो। चलिए दोस्तों, पहले यहाँ से निकलूँ मैं, देखिए रास्ता। चलिए पहले अपना जो हम लोग लगाए थे पेड़, जो हम लोग पेड़ लगाए थे दोस्तों, चलिए पहले उस पेड़ के पास चलते हैं। देखिए इस बारिश में उस पेड़ पे क्या क्या जान डाली है। तो जान तो बहुत अच्छी डाली है, देखिए दोस्तों, ये केला का पेड़, ये फूल वगैरह सब सब तो हो गया अच्छा अच्छा और चलिए सब तो हो गया अच्छा अच्छा और चलिए मैं चाय पी लूँ, फिर आप लोग को लेके चलती हूँ। आज जो है जिस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया था वो था कि बच्चा चोर। आप लोगों ने वीडियो देखा कि बच्चा चोर के चक्कर में जितने मेरे बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं आ रहे हैं। मैं खुद ही उन लोग को एक हफ्ते की छुट्टी दी रखी हूँ, और इस फिर भी एक दिमाग में अजीब सा लग रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, याद जो भी था वो भूल ना जाए। तो इस चक्कर में चलिए लेके चलती हूँ आज बच्चे लोग के घर आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, आज एक और बात बतानी है आपको, जो उस दिन बात बच्चे लोग कह रहे थे कि चोरी वाला कि ऐसे ऐसे कोई आया था, तो ये बात मेरे दिमाग में खिचड़ी की तरह पक रही है। तो मैं जब तक अब चल रही हूँ, जिस बच्चे की बहन ने जिस बच्चे के बारे में बताया था, अब मैं चल रही हूँ आपको लेके उस बच्चे के मम्मी के पास। क्या सही और क्या गलत वही बताएंगी, और मेरा भी दिमाग थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। तो चलिए पहले थोड़ी सी ये बात आप लोग को भी सुनाऊंगी, और मैं भी थोड़ा संतुष्ट हो जाऊंगी, क्या सही क्या गलत, सही में बच्चा चोर। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्या जी, गुल्ली डंडा खेल रहे हो तो नहीं बच्चा चोर आ रहा है? हाँ, अब नहीं बच्चा चोर आ रहा है, और पढ़ने के नाम पे बच्चा चोर आ रहा है? हाँ, तुम तो पकड़ा गए खेलते हुए। घर पढ़ाई हो रही है? हाँ। कितनी हो रही है? मम्मी से पूछूं? चलो तो मेरे साथ चलो, आओ हिमांशु, लाश आता दो। हिमांशु कहाँ है? हिमांशु कहाँ बना? अच्छा आप ये बताइए कि ये लड़की बता रही थी बच्चा चोर के बारे में, कि बच्चा चोर इसको शायद रुमाल में कुछ सुंघा रहा था, सही बात है? मोबाइलिया नहीं, मोबाइलिया का मत बताओ, तू आपन बताओ कि तोरे नाती के सुंघावत रह लो। क्या जी, क्या सही है, क्या सही है क्या गलत है बताइए, आपको लग रहा है ऐसा? क्या इसीलिए मुझको डरवा दिए? डरवा के छुट्टी ले लिए लोग। जैसे कमाड़ी बेचने वाला बाहर से आता, एक तो टेम्पू वो गाड़ी जा रही, हाँ, तो उसने दबा के थोड़ा सा इधर कर दिया, तो मतलब दबे तो तुम नहीं थी, आप नहीं थी। इससे पूछे मैं नहीं, आप लोग बताइए बच्चा चोर वाला सिस्टम से आप लोग संतुष्ट हैं? चालू मतलब ये हो तो रहा है, तो बच्चे लोग मतलब खाली दादी माँ का ले लें, बच्चे लोग पढ़ने जाए? हाँ बच्चे जाएंगे, मतलब इसीलिए हम आए हैं कि बच्चे लोग दो तीन दिन से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो जो भी उन लोग को याद है वो भूल जाएंगे लोग, है कि नहीं? जितने मेहनत से बोली थी कि मैडम बुला क्यों नहीं, तो कहते कि एक हफ्ता का छुट्टी दे, हम कि आए दे ले बस,
जब गांव में है, गांव का आदमी तो खुद सतर्क है। हाँ, तो बस वही पूछना था कि ये लोग पढ़ने आए लोग, आप मतलब ये ना हो कि फिर मेरे पे ब्लेम लगे कि आपने बुला के बच्चों को ऐसा कर दिया, इसी डर से हम छुट्टी दिए हैं। तो लेकिन अब बच्चों को ज्यादा छुट्टी देने का मतलब है, कहाँ गया ये गुल्ली डंडा खेल रहा था, है कि नहीं? तो बच्चों को जो आया होगा भूल जाएंगे। घर पर तुम लोग पढ़ने बैठते हो, सब कुछ पढ़ने बैठते हो, मतलब जहाँ जहाँ हुआ है अगल बगल में सही घटना है। भैया जी कहाँ हुआ था ये? सही बात है, वो तो मोबाइल में दिखा रहा है ना, जो 11 महीने का बच्चा है वही ना। यस मैम, वो तो मोबाइल में दिखा रहा है। नहीं, सही कहा था, उसके फुआ के यहाँ का। तुम्हारे फुआ के यहाँ का है? चलिए कहीं का बात हो, आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे कि नहीं? हाँ जाएंगे, क्यों? हाँ, तो बस वही संतुष्टि करना था कि आप भेजना चाहेंगे कि नहीं। तो दोस्तों 2-3 दिन और लग जाएंगे, और बच्चे लोग को आने में 2-3 दिन का और समय में दे दी हूँ बच्चे लोग को कि 2-3 दिन बाद आप लोग आइएगा। और 2-3 दिन तक क्या दिखाऊंगी मैं, आपको पता है दोस्तों, 2-3 दिन तक मैं आपको दिखाऊंगी। अब मेरे यहाँ आए हैं बुआ और फूफा, मेरे घर वाले, और जाएंगे गया, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी कैसे जा रहे हैं लोग, क्या क्या है, गाजा बाजा के साथ, और सब कुछ दिखाऊंगी दोस्तों, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय बाय।